से देखिए आपके लिए मैं लाया हूँ 11वीं का टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 11वीं विषय राजनीति। ये मैंने हाल करके रखा है कॉपी में। ये देखिए आंसर पहले का वर्कर, दूसरे का है 9 दिसंबर 1946, तीसरे का है अमेरिका, चौथे में है भारत और ये पांचवे में है भारत। ये देखिए दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा, दो के उत्तर, पहले का है क्षमा, दूसरे में है 500, तीसरे में है अस्थाई और चौथे में है 25, पांचवे में है सातवें, ये खाली स्थान है। प्रश्न क्रमांक तीन के उत्तर सही जोड़ी, पहले में है लॉर्ड पेन और दूसरे में मुस्लिम लिंग, तीसरे में है इंग्लैंड और चौथे में एक व्यक्ति का सूत्र दिया और पांचवी में है सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। और ए प्रश्न क्रमांक चौथा, पहले में है वारेन, दूसरे में है वारा, तीसरे में है भाग तीन और चौथे में राष्ट्रपति, पांचवी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक वाक्य में उत्तर है जी, एक शब्द में। और या भाई प्रश्न क्रमांक पाँच का उत्तर, भारत संविधान के स्रोत, भारतीय शासन 1935 पहला हो गया और दूसरा अमेरिका का संविधान। प्रश्न क्रमांक छः का उत्तर, ग्राम पंचायत के दो कार्य, पहला है लोगों के को रोजगार प्राप्त कराना और दूसरा है ग्राम का विकास करना। और अब ये प्रश्न क्रमांक सातवा, सातवें का उत्तर, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन अंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। प्रश्न क्रमांक आठ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र निष्पक्ष तथा निडर होनी चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। न्यायपालिका विधान मंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर, राज्यसभा को सांसद का स्थानीय सदन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता, तथापि प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्वकालीन अवधि के लिए निर्वाचन सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। देखिए प्रश्न क्रमांक दस का उत्तर, प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार, नंबर एक, देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है। नंबर दो, वह मंत्रियों को चुनता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। नंबर तीन, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। इसमें तीन ही लिखे मैंने। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, वयस्क मत अधिकार, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को राज्य के चुनाव आदि में मत देने का विधि द्वारा प्राप्त करता है। तो अभी इसमें ये देखिए आगे के प्रश्न जो कि मैंने लिख लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 11, वयस्क मत अधिकारी, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को राज्य के चुनाव आदि में मत देने का विधि द्वारा प्राप्त अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 12, संविधान की प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भाईचारे मतलब बुंदेलखंड में बोला था भाईचार। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। इसका उत्तर है
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के पीछे का कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इस साल के याद है कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके चलते उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान निर्माण का काम संविधान सभा का था, जिसकी पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को हुई थी। प्रश्न क्रमांक 14, चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए। उत्तर है एक स्वायत्त एवं अर्थ न्यायिक संस्था एवं है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया जाता था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 16 है, विधानमंडल के दो गैर विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान सभा निचली प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं, मतलब बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, जे 17 में है, चित्र देखकर पहचानिए व इन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो चित्र इसमें दिया नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया, इसका उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए 18वां है, जनहित याचिका गरीबों की किस तरह मदद कर सकती है। जनहित याचिका के से गरीबों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। जनहित याचिका से अभिप्राय ऐसी याचिकाओं से है जिन्हें सामान्य के हित में पीड़ित व्यक्ति के जगह पर कोई भी अन्य व्यक्ति एक साधारण पोस्ट कार्ड द्वारा याचिका दायर कर सकता है। इन याचिकाओं पर न्यायालय शिक्षता से विचार करता है। 19 का अथवा का उत्तर, अथवा लिखा है अथवा, देख ले, दल बदल को विस्तार से समझाइए। प्रश्न है दल बदल को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर दल बदल से अभिप्रिय है किसी विधायक का किसी दल के निकट के टिकट पर निर्वाचित होने होकर उसे छोड़ देना और अच्छे किसी दल में शामिल हो जाना। किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, परंतु पार्टी से निष्कर्षित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और
सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 एवं 124 4-5 207 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्तावना सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार का या अक्षमता साबित हो गया है वो। अब प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा 21 का अथवा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। संसदीय प्रणाली लोकतंत्र शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतंत्र विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकारी का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर ये पेपर देखिए समाप्त हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि कल का पेपर आपको चाहिए हो तो।